नेता कौन? मोदी जी, मोदी मोदी जी, मोदी मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पहले बगैर लाइट के था, पहले बगैर लाइट के था, अब डिजिटल इंडिया, फोकस, लाइट। बहका रहे हैं, जो बहक रहा, हम नहीं बहकेंगे, बिल्कुल नहीं बहकेंगे। अखिलेश यादव, सब गए तेल लेने, सब गए तेल लेने। भाई साहब आगे को आओ, रोजगार खत्म नहीं है, लोगों की सोच खत्म है। चाहे इंडिया गठबंधन नहीं है, नाम दे रखा है इंडिया ठगबंधन है वो। हाँ, सब बेवकूफ बना रहे लोगों का, होगा कुछ नहीं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, सब एक है। अरे तुम चाहे बिहार से उठा लो या बंगाल से उठा लो, फैसला तो हिंदुस्तान की जनता यहीं से यूपी से रास्ता दिखाएगी ना। मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भैया, भारतीय जनता पार्टी की क्यों बन रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। कह रहे कुछ किया तो ना, विकास खत्म है। समय लगता है ना हर अच्छी चीज में, हर अच्छी चीज में। अच्छी चीज है भाजपा, भाजपा बढ़िया चीज है, देश बढ़िया चल रहा। योगी मोदी बेस्ट, बेस्ट। राहुल गांधी भी तो बेस्ट है। समय लगेगा, समय लगेगा राहुल गांधी, समय लगेगा। और अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव विपक्ष वाले बेकार है। आओ आओ साइड में आओ, आओ साइड में आओ, पहले साइड में आओ। हाँ साइड में हो गए, अब बताओ अखिलेश यादव। ये लोकसभा चुनाव हुआ ना, इसमें विपक्ष का क्या मतलब? विधानसभा की देखी जाएगी बाद में, विधानसभा में देखी जाएगी। इस बार मोदी पे ठप्पा है, जाहिर सी बात है। हर बार ही मोदी सरकार है, हर बार ही मोदी सर। तो मोदी ने कुछ किया है भाइयों के लिए? बढ़िया, बहुत कुछ किया। लोगों को रोजगार दिया, सारे इल्लीगल काम नंबर एक में करे, मजदूर को बढ़ावा दिया, ईमानदार आदमी को ऊंचाई मिली, लोगों की बिल्कुल जो बदमाशी पदमाशी सब खत्म। हर आदमी ईमानदारी से जी रहा, सुकून से सांस लेके, बहुत सांस लेके जी रहा। पर कह रहे इस सरकार में भेदभाव ज्यादा है, हिंदू मुस्लिम हो रही है। लोगों के दिल में भेदभाव है, सरकार में भेदभाव नहीं है। विपक्ष ने कर रखा भेदभाव, विपक्ष ने कर रखा भेदभाव। विपक्ष तो आरोप लगाता है, विदेशों में जाके राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिम परेशान है देश में। माइक आ गया, अब चिलावनी बिल्ली बाली नोचेगी और क्या करेगी? क्या? चिलावनी बिल्ली बाली नोचेगी, जाहिर सी बात है। बाली नोच रहे हैं, बाली नोच रहे वो। जब जब उनके यहाँ कोई नहीं सुनना, तो विदेश में कौन सुनेगा? यहाँ नहीं सुन रहे, आप नहीं सुन रहे। मैं तो सीधे, वो तो भरोसे बैठे कि आप सुनोगे, वोट दोगे। जिस दिन हम सुनेंगे उस दिन तुम्हें पता, जाहिर सी बात है, चुनाव वोट बीजेपी पे डाल के आ जाएंगे, बात खत्म। बकते रहो तुम अपना कुछ, जाहिर सी बात है। बात राहुल गांधी की सुनोगे, वोट बीजेपी। इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। अच्छी बात तो करते हैं। मोदी जी से बढ़िया बात कोई नहीं करता, मोदी जी से बढ़िया, मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं करता, ना काम करता ना कोई अच्छा काम करता उनसे अच्छा। कह रहे बात तो राहुल गांधी ज्यादा बढ़िया करते हैं। बात तो करने को, तो बात तो मायावती भी सबसे बढ़िया करे, लेकिन मानी बात जाती है मोदी जी की, मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में योगी जी की, योगी जी की बात उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी, योगी जी की, भैया पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की। अच्छा और क्या, कुछ किया है दोनों ने? अभी बहुत कुछ कर दिया। देखो देखो, सुनो सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप मीडिया में हो, अब देखो मोदी जी की देन है, आप हम पे कैमरा मार रहे हो, पहले बगैर लाइट चला रहे, पहले बगैर लाइट के था, अब डिजिटल इंडिया, फोकस, लाइट। इस बार फोकस तुम्हारा किस? इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी पर, हमारा ना पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान का, पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान, गारंटी ले रहा हूँ हर बात से। हमारे यहाँ से सांसद बहुत अच्छे जीतेंगे, अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी जीत रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा कोई सांसद पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा में कोई जीतने का ही ना, राहुल गांधी का भी रिकॉर्ड टूटेगा उत्तर प्रदेश के। कह रहे हैं मुस्लिमों के पक्ष उसमें बैठे हैं कि मुस्लिम वोट देंगे उन्हें, वो बहका रहे हैं। हाँ। जो बहक रहा, हम नहीं बहकेंगे, बिल्कुल नहीं बहकेंगे। अखिलेश यादव, सब गए तेल लेने, सब गए तेल लेने। अभी एक भाई भी मिला था हमें, कह रहा था इस बार पतंग वाले आ रहे हैं यूपी में। पतंग वालों का टाइम थोड़ी है, अब पतंग का टाइम आता 15 अगस्त के टाइम पे गए टाइम, वो गया टाइम। अब तो जून जुलाई बीजेपी आई, बीजेपी आई जून जुलाई, बीजेपी आई जुलाई, बीजेपी आई आई बीजेपी आई। अरे भैया क्या किया है ऐसा कि बीजेपी बीजेपी? भाई साहब रोजगार बहुत अच्छा करा, शिक्षा पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे, सुनो सुनो सुनो, कौन कह रहा? भाई साहब आगे को आओ, रोजगार खत्म नहीं है, लोगों की सोच खत्म है। हाँ जी, रोजगार भी तो खत्म है, महंगाई हो गई, महंगाई। एक बात तो बताओ भाई साहब, पहले आदमी 50 साल में मालदार नहीं होता था, आज आदमी काम करे 10 साल में मालदार हो जा, 10 साल में मालदार हो जा, आज करोड़पति, परसों उद्योगपति, 55 लाख रुपए जो मिल रहे, और सरकार ध्यान न दे उद्योगपति पे तो देश से बाहर, इसलिए सरकार ने अपने सिकंजे में कस रखा। स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गवर्नमेंट ने,
और शिक्षा पे ध्यान दिया, रोड पे ध्यान दिया, जल की कमी दूर हुई और लाइट तो ऐसी कर दी है जैसे कभी जिंदगी में भक्ति ना जाती नहीं लाइट। आज के अंधेरे में जी रहे उत्तर प्रदेश मोदी सरकार में पैदा होने वाले बच्चे की आंख भी उजाले में खुल रही है। आंख भी उजाले में खुल रही है। मोदी जी के बाद किसको देख रहे? मोदी जी के बाद वो जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के बाद वो बात की बात देखेंगे, बात की बात देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी जी का नंबर है मोदी जी के बाद? योगी जी का 27 ये उन 24 का हों दो, उसके बाद जैसा सरकार रणनीति बनाएगी हम बीजेपी के साथ। अच्छा, और क्या नहीं बनाई तो? नहीं बनाई तो जब भी उनके साथ है, और इसका लड़के का कहने का मतलब यही है जनता पार्टी नंबर वन पार्टी पूरे हिंदुस्तान की, भाई साहब नंबर वन पार्टी। हम तो हकीकत में आज जो जनरेशन चल रही है ना गुमराह थी पहले, अब जागी है तो कोई हटा के दिखा दो, जाहिर सी बात है सब इकट्ठा हो गए। इंडिया गठबंधन अजी चाहे इंडिया गठबंधन नहीं है, नाम दे रखा है इंडिया ठगबंधन है वो। हाँ सब बेवकूफ बना रहे लोगों का, होगा कुछ नहीं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल सब एक है। अरे तुम चाहे बिहार से उठा लो या बंगाल से उठा लो, फैसला तो हिंदुस्तान की जनता यहीं से यूपी से रास्ता दिखाएगी ना। बस तो प्रधानमंत्री जी हमारे सेफ बैठे, बात खत्म, टेंशन नहीं नाम है। ममता बनर्जी भी तो है, कह रही वो भी बन जाए। अजी तुम ममता की जगह लालू को डालो बुढ़ापे में, उससे फर्क थोड़ी पड़ रहा है, जो जहाँ जाएगा वहीं जाएगा, बात खत्म। मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक है धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम तो अफजान है। नाम बता दो, हम तो नाम जान रहे बस। नाम अफजान है, बाकी मुझे बोल रहे ना अफजान। अफजान अफजान जी, सब सरकार है देखिए आप, साइड में आ जाओ, थोड़ा साइड में आ जाओ, हाँ आओ, हाँ इधर को आ जाओ, बस खड़े रहो यही। आप बहुत पुराने हो, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 63 की है। 63 साल के। सब सरकारें देखी आपने, कांग्रेस देखी, अखिलेश यादव जी की देखी, उनके पिताजी की देखी, बुआ जी की देखी, सबसे बढ़िया कौन सी लगी? बुआ जी कौन है? मायावती जी। एक सेकंड, पहली बात तो ये कि मेरी कोई कूप ही नहीं है तो मैं बुआ जी की क्यों ना सबकी देखी हम। अरे एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जो काम हो रहा वो काम हो रहा है इस सरकार में। क्रिमिनलों की जो कहानी चल रही है वो भी कहानी इसी सरकार ने चलाई है। और इसके बाद में अगर युद्ध सरकार पलट गई, सारे के सारे बाहर हैं। अच्छा, किसी को रोकने वाला पैदा नहीं है क्रिमिनलों को। हाँ, अन्य तो वो गोली मारेंगे। अच्छा, क्रिमिनल निकल के हाँ। सरकार चली गई तो अच्छा, इस सरकार ने कंट्रोल कर रखा सब पे। कंट्रोल कर रखा। पहले परेशानी होती थी, आज हमारी बहन बेटी आराम से घूमती है रोड पे। पहले दिक्कत होती थी। पहले तो किसी ने उठा लिया और किसी ने नोच लिया, ये कहानी थी। अब महिलाएं सुरक्षित हैं इस सरकार में, तो योगी जी ने महिलाओं को सुरक्षित कर दिया है। हकीकत है। हाँ अच्छा, पर अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में ज्यादा। सुनो मैं जार दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात की बात कर रहा हूँ। सीधी बात है, जिससे हमें सुविधा भैया वही काम करेंगे। और कोई हमसे न कहवे न वोट किसको दोगे, न तुम बताओ किसको दे, मैं न जनता पार्टी को दो, जनता पार्टी को दे देंगे। और किसी ने आके नो कही न सपा को दो, सपा को दे देंगे। किसी ने आके नो कहेगी बसपा को दो, तो बसपा को दे देंगे। बात खत्म हो गई। तो काम बढ़िया योगी जी ने किया, हकीकत बात है ये। वोट किसी को भी दे दोगे पर काम योगी जी ने किया है, हकीकत है ये। गुंडराज खत्म हो गया। क्या नाम हुआ? बस ये बात कहनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं कहना। गुंडराज खत्म हो गया।